top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. पंजीकरण संख्या 1015 यहाँ का 015 है और रजिस्ट्रेशन नंबर एलोटेड 015 वैधता की अवधि आप उनको बता दीजिए क्या है ना चक्कर पड़ रहे हैं सेंटर का नाम लिखूंगा तो उसमें लिखा होगा ना हाँ जी इसमें कौन सा 41 41 में है इसमें जी और इधर समय लग जाएगा यार ठीक बाकी बात भी कर लीजिए और इस बदली वाले में एक कमरा उनको दिलवा दीजिए कुछ नहीं है मशीन में कितनी टोटल दो मशीनें मैम बेटा मशीन थोड़ा बंद करो जी आपका नाम मैं ही करती हूँ इसमें से तो पेपर निकाल इसमें मिल जाएगा नाम क्या है मधुबंसल फॉर्म है जी हाँ जी मेरा लाइव टुडे लाइव टुडे लाइव टुडे टुडे वो तो ये बताएंगे भाई एक तो सेक्टर 19 भी की गई है और यहाँ अभी की गई है तीसरे का एड्रेस क्लियर नहीं है इसलिए उसका नहीं हो पा रहा है तो दो जगहों पे जो रूटीन चेकिंग हो रही है कि प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं कि नहीं रखते हैं उनकी मशीनें सही है कि नहीं लाइसेंस उनके सही है कि नहीं सही है या डॉक्टर ने लाइसेंस लिया है कि नहीं लिया है दूसरी बात कहीं प्रसव पूर्व परीक्षण तो नहीं हो रहा है लिंग परीक्षण जिससे बेटियों को मारने या तमाम बातें जो आ रही हैं इन सब की जांच होती है प्रॉपर रिकॉर्ड इन लोगों का रखा जाता है और हर महीने ये CMO कार्यालय में भेजते हैं तो यही हम लोग देखने आए हैं कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं इनकी प्रॉपर रिकॉर्ड रख रहे हैं रजिस्टर रख रहे हैं कि नहीं उनका जो भी रोगी आते हैं उनका डिटेल एड्रेस रख रहे हैं नहीं मान लीजिए किसी की जाँच करना हुआ तो उनका मोबाइल नंबर एड्रेस डिटेल होता है जाँच कर लेते हैं फिर सर का निमित्ता नहीं मिली फिलहाल आपके यहाँ जो है ठीक चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है ये महीने में दो तीन बार चलती है एक लक्ष्य होता है कि 25-30-40 सेंटर जो है हर महीने चेक हों तो इसमें करीब 5 अधिकारी लगाए गए हैं जैसे हम हैं बाकी 3 SDM साहब और लोग हैं एक आदमी और कोई है तो 5 लोग लगे हैं इस तरह से हर आदमी दो दो दिन कर लेगा तो 15-20 इस तरह से हो जाएगा फिर हर महीने में दो बार हो जाएगा तो 30-35 हो जाएगा